इस वीडियो में मैं दिल्ली से बैंगलोर के लिए फ्लाइट ले रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले टर्मिनल वन पे पहुँचा था। टर्मिनल वन से मेरी फ्लाइट थी। टर्मिनल वन पे सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद मैं फूड कोर्ट में गया था, जहाँ पे इनका लॉन्च एक्सेस मिलता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। उसकी एंट्री कुछ इधर से है जो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें ऐसे बैनर लगा हुआ है बिल्कुल एक साइड कोने में, इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ। सेकंड फ्लोर पे है ये, आप लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। सेकंड फ्लोर पे एंट्री पॉइंट कुछ इस तरीके से है, आप अंदर का व्यू देख सकते हैं। इसमें आने के लिए आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप उसमें 2 रुपये का चार्जेस लगेंगे और आप खाना खा सकते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ खाना खाया था वहाँ पर, और फिर जहाँ से हमने सिक्योरिटी चेक इन कराया था वहाँ से डिपार्चर्स गेट होते हैं, वहाँ से मैं वापस अपनी फ़्लाइट जहाँ से हमें टिकट लेनी है वहाँ तक मैं गया था। फिर वहाँ से हमें जो बस है वो हमें ले जाती है जहाँ से हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होनी है। और फिर मेरी एंट्री जो थी वो पीछे बैक गेट के करीब थी मेरी जो सीट थी, इस वजह से हम क्यूँ लग के जा रहे थे ऐसे। एक बार हमें दोबारा से यहाँ क्रॉस चेक कराना होता है कि हम सही फ्लाइट में बैठ रहे हैं या नहीं। उसके बाद ये मैंने पीछे कि गेट के पास पहुँचने के बाद दोबारा से अपना बोर्डिंग पास इसे चेक कराया, और फिर मैं पीछे के रैंप के थ्रू जा कर के अपनी फ्लाइट में बैठ गया। उसके बाद मैं फ़्लाइट का आपको अंदर से व्यू दिखाता हूँ। टेक ऑफ होने के बाद कुछ इस तरीके से फ़्लाइट दिख रही थी। बाहर से लाइटें बहुत अच्छी लग रही थी अंदर चमकती हुई, और फ्लाइट का व्यू। और फिर हम नीचे लैंडिंग के बाद बैंगलोर सेफली पहुँच गए थे।